नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2। इस वीडियो में हम गीता का सार करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 1 धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का सैन्य निरीक्षण करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में भगवद गीता से संबंधित और भी कई वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 2 गीता का सार की शुरुआत करते हैं। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरत वंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है और मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की
इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति, विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तुओं की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरत वंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न ही मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्तुओं को त्याग कर दूसरे नए वस्तुओं को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह असोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे माँ बाहु, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदाई अवध्य
जिसका वध नहीं किया जा सके, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देख कर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उलट फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चय आत्मिक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चय आत्मिकता बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर
छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत का तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम्बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। सम्बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है। क्योंकि सम्बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भागों में वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भली भांति 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 के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में सर्वथा निष्प्रिय है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषयों तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है,
आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय आत्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है, क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषय में सब प्रकार की निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञा योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थिति प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्प्रेह रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 गीता का सार समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 3 करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।